हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल द विक्टी अड्डा में। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। जैसा कि BSF SCM और ASI स्टूडेंटों का फिजिकल चल रहा है, कुछ लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब उन्हें रिटर्न की तैयारी में लग जाना है। तो आपके सिलेबस में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इस क्लास में आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारी नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि CPU के पास कौन सी मेमोरी होती है। आपके ऑप्शन दिए हैं, रैम होती है, कि रजिस्टर होती है, कि HDD होती है, कि नन। तो CPU के पास जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एजुकेशनल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, .in होता है, कि .com होता है, कि .edu होता है, कि .gov होता है। तो एजुकेशनल वेबसाइट का जो डोमेन एक्सटेंशन होता है वो होता है सी ऑप्शन, .edu। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिनक्स के फाउंडर कौन है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल गेट्स हैं, कि लिनक्स टोरवाल्ड है, कि जैक किल्बे है, या इनमें से कोई नहीं है। तो लिनक्स के जो फाउंडर हैं वो है लिनक्स टोरवाल्ड्स। ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्मॉल KB क्या है, इसका पूर्ण रूप बताना है। किलो बाइट्स है, कि किलो बीट्स है, कि किलो बोल्ट है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो KB का जो फुल फॉर्म होता है वो किलो बीट्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल प्लस क्या है, क्या ये एक सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्क है, कि ई कॉमर्स है, कि इन सब में से कोई नहीं है। तो गूगल प्लस जो है वो एक सोशल नेटवर्क है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता होगा कि हमारा ऐप है द विक्टी अड्डा के नाम से, वहाँ पर आपको BSF SCM की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और ASI स्टोनो की। उसका जो प्राइस रहेगा वो होगा 249। इसमें आपको 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आपको इसका लिंक जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि आपका रिटर्न होने वाला है तो आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो आप इसको ज़रूर बाय करिएगा, इसको प्रैक्टिस ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, कि HTTP का पोर्टल नंबर क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए 80 होता है, कि 25 होता है, कि 445 होता है, कि 443 होता है। तो HTTP का पोर्ट नंबर जो होता है वो 80 होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है। आपके ऑप्शन दिए हैं, इम्पैक्ट है, कि नॉन इम्पैक्ट है, कि बोथ है, कि ऑल है। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन सा है। आपको प्रोटोकॉल बताना है ईमेल का, FTP है, कि SMTP है, कि HTTP है, कि नन। आपको पता होगा HTTP एक वेब वेब के लिए होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, SMTP आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निबल में कितने बीट होते हैं, 4 होते हैं, कि 8 होते हैं, कि 16 होते हैं, कि 32 होते हैं। तो दो निबल में जो होते हैं वो 8 बीट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BSF का जो आपका सिलेबस है उसमें कंप्यूटर भी आना बहुत ही मतलब आप कंपल्सरी है आना, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लास मिलेगी कंप्यूटर की, रेगुलर आपको 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को मतलब कि डेली देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी वर्ड में आप अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी वर्ड में, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl D होती है, कि Shift D होती है, Ctrl+Shift D होती है, कि ऑल ऑफ द एबव होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, Ctrl+Shift+D। जब बटन दबाएंगे आप, की दबाएंगे, तो आपके डबल अंडरलाइन हो जाएगी वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EDI का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म से भी रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो
ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होगा कि एम्प्लॉय डाटा इंफॉर्मेशन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो ईडीआई का फुल फॉर्म जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट का भाग नहीं है, यानी एक्सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो स्प्रेडशीट का भाग नहीं है क्या? रो नंबर नहीं है कि कॉलम फार्मूला कि कॉलम लेटर या सेल एड्रेस? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कॉलम फार्मूला जो है आपका स्प्रेडशीट का भाग नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या रिमोट। तो ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है वो है रिमोट, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है कि हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, तो कौन से होते हैं? पेरिफेरल होते हैं कि क्लिप आर्ट होते हैं कि हाईलाइट होते हैं कि एग्जीक्यूट होते हैं? तो सिस्टम में जो बाद में जोड़े जाते हैं वो होते हैं पेरिफेरल, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि मॉडेम का अर्थ क्या है, यानी मॉडेम का फुल फॉर्म बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इम्पॉर्टेंट देखिए ज़्यादातर इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाले गए हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को पढ़े पढ़िएगा, जो भी आपको क्लास कराई जाएगी डेली लीजिएगा, ठीक है। मॉडेम का अर्थ जो है वो मॉडुलर डिमोडुलेटर है कि मॉनेटरी डेवलपशन एक्सचेंज मैकेनिज्म है कि मेमोरी डिमैगजनाइजेशन है कि मॉनेटरी डिमेरिकेशन है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मॉडुलर डीमॉडुलेटर है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मॉडेम का अर्थ। तो इस क्लास में आपको 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए गए हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।